हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर होने वाली है। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें करता है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बीच में, तो ये रीडिंग आज इसी टॉपिक पर रहेगी और देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था। ओके माय लवली व्यूवर्स, आज रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं साइलेंस, रिपनेस, द मास्टर एंड पेशेंस। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज निकल कर आई हैं जो इंसान काफ़ी पेशेंस से काम ले रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने अभी बोलना कम कर दिया है या फिर आपसे बात करनी कम कर दी है, तो इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा है जो ये पर्सन आपको नहीं बता सकते। इसलिए इस पर्सन ने आपको बताना छोड़ दिया है और इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ चल रहा है उसको ये पर्सन आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो ये पर्सन अपने तक रखना चाहता है। और थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बीच जो बातें हो रही हैं वो आपके बारे में हो रही हैं, क्योंकि आपके पेशेंस से ये पर्सन ना बहुत कुछ सीखा है। आप इस पर्सन को पता है कि आप बहुत पेशेंस के साथ इस रिश्ते में बने हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आप पा भी नहीं सकते और इस पर्सन को खो भी नहीं सकते। इसलिए आप करें तो क्या करें, इस दुविधा में आप भी हैं और ये पर्सन भी इसी दुविधा में नज़र आ रही है। आपके पर्सन को आप चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए, इसलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में बात करता है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली नज़र आ रही है, और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन आपके बिना काफ़ी अकेलापन फील कर रहे थे, आपसे बात नहीं हो रही है, या फिर ये पर्सन खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये पर्सन बहुत अकेलापन फील करते हैं, ना तो ये पर्सन आपको कुछ बता पा रहे हैं और ना ही आपके साथ रह पा रहे हैं। तो ये पर्सन इन दिनों ना थोड़े से परेशान भी हैं और अपनी फैमिली में आपको लेकर बात भी कर रहे हैं, ताकि ये पर्सन आपके लिए अपनी फैमिली को कन्विंस कर सके। अगर आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई है तो भी ये पर्सन आप दोनों के बीच के इस गैप को कम करना चाहता है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, पर ये पर्सन चाहता है कि इस पर्सन की फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट नहीं रहे और बल्कि मान जाएं। तो ये पर्सन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो भी अगर आप दोनों के बीच कुछ दूरियां आ रही हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस पर्सन की फैमिली की वजह से हैं, तो भी ये पर्सन उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एडजस्ट कर लेंगे। जिस तरह की सिचुएशन हो, आप बहुत पेशेंस से काम लेते हैं, आप बहुत ही शांत मिजाज इंसान हैं। तो इस तरह की बातें करके ना ये पर्सन अपनी फैमिली को आपके लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आपको वो अपना लें। अगर इस पर्सन की फैमिली में अभी तक ना आपको अपनाया नहीं है, इस पर्सन की फैमिली में आपको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या इस पर्सन की फैमिली आपको पसंद ही नहीं करती है, तो भी ये पर्सन चाहता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस पर्सन की फैमिली आपको पसंद करे। अगर इस पर्सन के साथ आप हैं तो फिर आप दोनों एक ही हुए ना, तो ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते और ना ही ये पर्सन अपनी फैमिली के बिना रह सकते हैं। तो ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है, आपके बारे में बहुत सारी बातें करता है, आपकी तारीफ़ करता है, ताकि ये इस पर्सन की जो फैमिली है ना आपको एक्सेप्ट कर ले। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ये पर्सन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन हर संभव प्रयास कर रहा है, अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन की कोशिशें दिखाई दे रही हैं, और क्योंकि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर इंसान है, ये पर्सन चाहता है इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ रहें, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ रहें, और आप दोनों की खुशियाँ सब मिलकर रहेंगे ना तो ही हैं। और ऐसा लग भी रहा है कि आप दोनों ने डिसाइड किया है कि सब लोग मिलकर रहेंगे। अगर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा तो आप इंतज़ार कर लेंगे। इस पर्सन के खातिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस पर्सन को पता है कि अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो इस पर्सन की फैमिली को आप भी अपना लेंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस पर्सन की फैमिली आपको अपना लें और आप इस पर्सन की फैमिली को अपना लें, आप सब एक साथ मिलकर रहें। तो ये कोशिश यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन कुछ ऐसा मैजिक करना चाहता है जिसकी वजह से ये पर्सन ना सब पर अपनी छाप छोड़ सके और सबके दिलों में जगह बना सके। इस पर्सन ने आपके दिल में तो जगह बनाई ही है, साथ ही इस पर्सन की फैमिली में भी इस पर्सन की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है, इस पर्सन की बात को माना जाता है। पर जब आपकी बात आती है ना तो इस पर्सन की फैमिली मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने लव मैरिज की है या फिर लव मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट हो रही हैं, हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग हो या फिर आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस इस तरह के हों कि इस पर्सन की फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही आपको। पर ये पर्सन काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ और
साइलेंस बने रहकर ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये पर्सन जिस वक्त भी जब इस पर्सन को मौका मिलता है ये पर्सन उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन ने ना कुछ टाइम के लिए मौन धारण कर लिया था, ऐसा लगता है ये पर्सन पूरी तरह से शांत हो गए थे। और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, अपनी फैमिली में आपको लेकर बात की है और उस बातों का नतीजा ये निकला है कि ये पर्सन समझ चुके हैं कि इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनना है। इस पर्सन को कुछ ना कुछ मैजिक करना होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा ताकि आप दोनों एक साथ रह सकें। तो यहाँ पर ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है उन्हें कन्विंस करने की। थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने कोशिश की है और इस कोशिश में ये पर्सन कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कामयाबी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये सारे कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेता है, और इस पर्सन ने अगर आपको चुना है तो इस पर्सन ने कुछ सोच समझ कर ही चुना है। आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट हैं। ये पर्सन आपको खोने से डरने लगे हैं, इसीलिए भी ये पर्सन अपनी कोशिशें और भी तेज़ कर चुके हैं। तो इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये पर्सन आपको लेकर अपनी फैमिली में बात करता है, आपकी तारीफ़ करता है, आपके साथ रहना चाहता है। ये पर्सन आपको नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। इस वक्त अगर आप दोनों साथ में हैं तो भी इस पर्सन की जो ये एक्टिविटीज़ हैं आपको नज़र भी आ रही होंगी कि ये पर्सन किस तरह का व्यक्ति है। ना तो ये आपको छोड़ेगा और ना ही अपनी फैमिली को। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच जो भी रिश्ता बना हुआ है ना, इस पर्सन के प्यार की वजह से और आपके प्यार की वजह से बना हुआ है। तो आप दोनों ने एक दूसरे को जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, उतना शायद कोई और नहीं दे सकता। इस पर्सन को भी पता है कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर पाना खुश नसीबी है। तो ये पर्सन आपको पाकर काफ़ी खुश है, हैप्पी हैं। तो ये पर्सन इस हैप्पीनेस को बनाए रखना चाहता है और बल्कि ये पर्सन और बढ़ाना चाहते हैं, आप हमेशा खुश रहें। तो ये पर्सन बहुत सारे ऐसे फैसले ले चुका है पहले भी, और अब भी इस पर्सन ने एक फैसला लिया है आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने का। और अगर ये पर्सन और आपकी फैमिली के बीच जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने का इस पर्सन ने जैसे कि एक बीड़ा सा उठा लिया है, तो ये पर्सन सारी चीज़ों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके रहेगा। और ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये पर्सन आपको ज़िंदगी भर अपने साथ रखेगा और आपका साथ निभाएगा। इसी तरह प्यार बनाए रखेगा, जिस तरह का प्यार आप दोनों के बीच में है, जो कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार है वो हमेशा बना रहेगा। आप दोनों की फैमिली इन फ्यूचर ना 2 से 3, 3 से 4 होती हुई नज़र भी आ रही है। तो जितना भी आप दोनों के बीच अब तक ये रिश्ता बना हुआ है, आप दोनों के प्यार और सपोर्ट से ही है ये चीज़ नज़र आ रही है। और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने अपनी फैमिली में आपको लेकर बात की है और क्लियर बात की है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे और ना ही ये पर्सन अपनी फैमिली के बिना रह सकते हैं। तो जब तक ये पर्सन कोशिश करता रहेगा, जब तक ये पर्सन उनको आपके लिए कन्विंस नहीं कर लेता। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो यदि आपकी रीडिंग आई हो, आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।